जी हाँ दोस्तों, SRH यानी कि सनराइजर्स हैदराबाद के असिस्टेंट कोच ब्रैड हेडन ने खुलासा किया है कि क्यों IPL 2021 से डेविड वॉर्नर जैसे दमदार खिलाड़ी को ड्रॉप करने का यहां पर फैसला लिया टीम ने। इसके पीछे की वजह क्या थी? दरअसल दोस्तों, इसके पीछे की वजह उन्होंने क्रिकेट को नहीं लेकर बल्कि किसी और चीज को साथ जोड़ा है। IPL 2021 में कुछ खास परफॉर्मेंस ना करने वाले डेविड वॉर्नर ने ICC T20 वर्ल्ड कप में 289 रन ठोक डाले, जो सबसे बेहतरीन पारियों में से एक थे। फाइनल मुकाबले में 53 रन की उनकी पारी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया टीम अपना पहला T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने में कामयाब हो पाई। हेडन ने कहा कि डेविड का IPL की टीम में ना खेलना कोई क्रिकेट से जुड़ा मसला नहीं था, बल्कि उन्होंने असली खुलासा करते ये कहा कि आप लोगों को एक बात समझनी होगी कि डेविड कभी भी आउट ऑफ फॉर्म नहीं थे। वे बस मैच प्रैक्टिस से दूर थे, उनके पास एक लंबा ब्रेक था। वे बांग्लादेश वेस्टइंडीज के दौरे पर नहीं गए थे, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि उनको काफ़ी समय हो गया था बल्ला थामे मैदान पर आए। प्रैक्टिस नहीं की थी तो दिक्कत होती है हर किसी को, लेकिन कभी भी वॉर्नर इन चीज़ों को अपने दिमाग पर हावी नहीं होने दिए। बस वे हालात हमारे बस में नहीं थे, उन्होंने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ तक कि कोचिंग स्टाफ के हाथ में भी कुछ नहीं था। हेडन ने कहा कि उनको बस कुछ मैचों की प्रैक्टिस की जरूरत थी ताकि वो अपनी लय में वापस आ सकें। उनको बस जरूरत थी कि वो कुछ टाइम पिच पर गुजारे, और वह भी हुआ। आप सब ने T20 वर्ल्ड कप में उनकी क्लास देखी, उन्होंने अब अपनी रिदम भी वापस पा ली है। आपको बता दें कि IPL में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने उनको प्लेइंग 11 में खिलाने से मना कर दिया था। इतना ही नहीं, वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम में भी उनकी जगह पक्की नहीं थी। वर्ल्ड कप फाइनल में मिशेल मार्श और वॉर्नर ने 70 और 53 रनों की पारियां खेली थी। ऑस्ट्रेलिया ने T20 विश्व कप के फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में अपना पहला खिताब जीता। तो दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो बेहतरीन तरीके से यहां पर वॉर्नर ने फॉर्म वापस हासिल करी और सभी को मुंह तोड़ जवाब दिया अपने बल्ले से, ना कि अपनी बातों से। वॉर्नर है दोस्तों, इनको इग्नोर करना SRH की सबसे बड़ी गलतियों में से एक था, और यही बात दोस्तों थी, क्योंकि अगर इनको 2-3 मैचों में और मौका दिया जाता तो वॉर्नर अपनी लय में वापस आते, भले ही इनसे कप्तानी ले लेते, क्योंकि कैन विलियमसन वॉर्नर के मुकाबले में बेहतरीन कप्तान है दोस्तों, क्योंकि हमने देखा है कैन विलियमसन की कप्तानी। अब आप कमेंट्स करके बताइए कि कैन विलियमसन बढ़िया कप्तान है या वॉर्नर, ये भी कमेंट्स करके बताइएगा। और आप क्या लगता है दोस्तों कि अब वॉर्नर कौन सी IPL टीम के कप्तान या फिर खिलाड़ी के रूप में चुने जाने हैं, क्योंकि IPL 2022 के ऑक्शन में सबसे बड़ा दाव वॉर्नर पर लगने वाला है, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।